नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ लिटरेरी वर्ड्स के बारे में, जो कि स्पीच से संबंधित वर्ड हैं। दोस्तों, ये वर्ड्स आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, जैसे सीटेट हो गया, किसी भी स्टेट का टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, इन सभी में ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको स्पीच से रिलेटेड कुछ शब्द मैं बताने वाला हूँ। आपको कुछ शब्द आते होंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते या हमें जनरली मिलते नहीं वो शब्द। चलो देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ लिटरेरी वर्ड्स। अब लिटरेरी वर्ड्स में देखेंगे, पहला शब्द लिखा हुआ मेडन स्पीच। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं मेडन स्पीच बिल्कुल असाधारण वर्ड है। मेडन स्पीच, मेडन का मतलब क्या है? कोई भी काम अपनी लाइफ का जो पहला होता है वो मेडन होता है। अब उस शब्द में चाहे स्पीच लगाइए, चाहे कोई भी उपलब्धि हो आपकी, जो पहली उपलब्धि है लाइफ की वो मेडन होती है। मेडन को एक्चुअली अनमैरिड गर्ल भी बोलते हैं। तो मेडन स्पीच जनरली पॉपुलर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि स्पीच के लिए यूज़ किया जाए। मेडन शब्द का मतलब होता है कोई भी काम हम पहली बार करते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर एक तरह का प्रोटोटाइप होता है। वो दो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्पीच या अकरेंस ऑफ समवनस लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जो जीवन की पहला अकरेंस, पहली उपलब्धि या पहली स्पीच या किसी भी तरह का काम जो वो पहला होता है वो मेडन होता है। अब ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लोगों को जनरली पता भी होता है। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा शब्द लिखा हुआ है स्वैन सॉन्ग। आप देख रहे हैं ये स्वैन सॉन्ग शब्द है। अब स्वैन सॉन्ग का स्टेटमेंट लिखा है द लास्ट अकरेंस ऑफ समवनस लाइफ। अब मेडन तो पता चल जाता है कि मेडन का मतलब है पहला, कोई भी अकरेंस, कोई भी उपलब्धि हमारे जीवन की पहली उपलब्धि है तो वो मेडन है। लेकिन अगर वो सबसे अंतिम उपलब्धि है हमारे जीवन की, शायद हमने उस उपलब्धि के बाद काम करना छोड़ दिया है, चाहे आप सिंगर हो, जैसे कि डांसर हो, या कोई ऑथर है मान लो, या कोई क्रिकेटर है, तो उसने एक लास्ट मैच खेलने के बाद फिर खेलना बंद कर दिया या संन्यास ले लिया, तो वो उसका लास्ट वाला जो मैच होगा वो स्वैन सॉन्ग होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लिटरेचर पे लागू कर सकें, ये कई चीज़ों पे लागू किया जा सकता है। तो स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है कि किसी भी जीवन की अंतिम उपलब्धि और उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, तो उस चीज़ को हम स्वैन सॉन्ग बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ द लास्ट अकरेंस ऑफ समवनस लाइफ। तो इन दोनों शब्दों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्वैन सॉन्ग काफ़ी वर्ड आ चुका है। उसके बाद में एक उसी तरह का वर्ड और होता है पॉस्थुमस। तो पॉस्थुमस पर ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं, पॉस्थुमस वाला है। तो पॉस्थुमस में ये वाला शब्द जो है पॉस्थुमस, आप जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट हमारे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। पॉस्थुमस एक ऐसा चाइल्ड जो अपने फादर के डेथ के बाद जन्म लेता है, ऐसा स्टेटमेंट आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चाइल्ड के लिए या बेबी के लिए जिसने अपने फादर की डेथ के बाद जन्म लिया उसी के लिए यूज़ किया जाए। ये हम कोई अवार्ड्स वगैरह, जैसे गैलेंट्री अवार्ड हमारा परमवीर चक्र है, उसको भी मरने के बाद ही दिया जाता है। तो स्टेटमेंट लिखा है समथिंग रिलीजियस आफ्टर द डेथ ऑफ समवन, समथिंग रिलेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ समवन। कोई भी चीज़ जैसे रिलीज है, किसी भी डेथ के बाद में रिलीज हो रही है। जैसे कोई सिंगर था, उसने कोई गाना गाया लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई और उस डेथ के बाद में उस गाने को रिलीज किया गया। या कोई ऑथर है, उसने कोई बुक लिखी और उस बुक को उसके मरने के बाद रिलीज किया गया, ऐसा फिल्मों में देखा जाता है। तो उस चीज़ को हम पॉस्थमस बोलते हैं। या जैसे कोई सैनिक था जो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ा वॉर में और मारा गया, उसको परमवीर चक्र अवार्ड किया गया, तो परमवीर चक्र मरने के बाद दिया गया, तो वो पॉस्थमसली अवार्ड किया जाएगा। तो पॉस्थमस हम इस पर भी लागू करते हैं, लिटरेचर में भी चलता है। तो दोस्तों, तीन वर्ड हमेशा याद रखेंगे, मेडन स्पीच और स्वैन सॉन्ग और पॉस्थमस। अभी आगे देखेंगे, लिखा हुआ कैपिटल स्पीच। ये सब देखेंगे इस वाले कॉलम का कैपिटल स्पीच, यहाँ पर ये दिया हुआ है कैपिटल स्पीच। तो कैपिटल स्पीच, कैपिटल का मतलब ही होता है पूंजी। लिखा हुआ है द एक्सीलेंट स्पीच या अकरेंस ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति का जो एक्सीलेंट स्पीच है या एक्सीलेंट अकरेंस है, उपलब्धि है, उसको हम कैपिटल स्पीच बोलते हैं। कैपिटल जिससे हमें पैसा मिल सके, गेन, एक्चुअली ये धन से संबंधित है, क्योंकि जब कोई भी अकरेंस या कोई भी उपलब्धि अच्छी होती है उसमें हमें काफ़ी बेनिफिट भी होता है, तभी उसको हम कैपिटल स्पीच बोलते हैं। अब ये तो एक तरह का शब्द है, जनरली नॉर्मल भी कह सकते हैं, उससे भी अच्छा शब्द है आपका ये मैग्नम ओपस। अब देख रहे हैं मैग्नम ओपस, इसी वजह से मैंने उसके तुरंत बाद ही लिखा हुआ है।
मैग्नम ओपस लिखा हुआ द ग्रेट वर्क, द ग्रेट वर्क किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो सबसे महान उपलब्धि है, जैसे भी कोई भी ले, अब विलियम शेक्सपियर को ले लें, तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास या प्लेज या जो भी पोइम्स वगैरह लिखी होंगी, आप जानते हैं जैसे जूलियस सीजर या मर्चेंट ऑफ वेनिस या जो भी हो ओथेलो या इस समय, अब जैसे जूलियस सीजर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ तो हम उसको बहुत बहुत ग्रेट वर्क है वो, तो हम उसको मैग्नम ओपस कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जैसे सिंगर हो सकता है उसका गाना जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, हिट हुआ, तो वो भी उसका मैग्नम ओपस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कैपिटल स्पीच या कैपिटल या मैग्नम से संबंधित है एक दूसरे के, लेकिन मैग्नम जो शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वर्क के लिए यूज़ किया जाता है या ग्रेट लिटरेरी वर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी शब्द अच्छे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो वर्ड दिया है आपका इम्प्रोम्प्टू, ये शब्द आसान है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इम्प्रोम्प्टू शब्द है या इसको हम एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा आ स्पीच विच इज़ गिवन विदाउट प्रिपरेशन, जब हम कोई भी स्पीच बिना प्रिपरेशन के देते हैं वो होती है एक्सटेम्पोरी, वैसे इसको एक्सटेम्पोरी बोलते हैं या इम्प्रोम्प्टू बोलते हैं, तो उस तरह की स्पीच को हम ये बोलते हैं। तो ये कुछ अच्छे शब्द हैं, उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों। कुछ शब्द और मैंने लिखे हुए हैं जो कि आप देखते हैं कि इसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे कोई वगैरह ऐसे वगैरह लिखते हैं हम, ऐसे हो या हम कोई भी फिल्म को प्रदर्शित करें या कोई ड्रामा को प्रदर्शित करें, कोई लिटरेरी वर्क हो, तो उसमें कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैंने कुछ शब्द और भी लिखे हैं, जैसे कि पहला शब्द लिखा हुआ है प्रोलॉग। अब प्रोलॉग जैसे शब्द है, प्रोलॉग में देखिए कई शब्द हैं, प्रोलॉग हो गया और प्रियम्बल हो गया, प्रीफेस हो गया, प्रिल्यूड हो गया, तो इस वाले वर्ड को मैंने लिखा है द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसे ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, तो प्रस्तावना को हम तीन चार वर्ड से जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ये प्रोलॉग हो गया, ये प्रियम्बल हो गया, ये प्रीफेस हो गया और ये प्रिल्यूड हो गया। तो किसी भी वर्क का या कोई भी ऐसे हो, कुछ राइटिंग्स हो, कुछ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो, तो उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं या प्रियम्बल बोलते हैं। प्री का मतलब पहले से संबंधित है, या प्रीफेस जैसा देखेंगे नॉवल वगैरह आता है तो उसमें प्रीफेस लिखा रहता है सबसे पहले, या प्रिल्यूड। उसके बाद में आपका दूसरा लिखा हुआ है मोनोलॉग, सब देख रहे हैं आप मोनोलॉग सब दिया। मोनोलॉग एक तरह का स्पीच या कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। अच्छा, मोनो का मतलब आप समझते हैं, मोनो का मतलब एक, अब वन और लॉग का मतलब स्पीच से संबंधित है कोई या स्टेटमेंट से संबंधित है। तो स्पीच या स्टेटमेंट गिवन बाय अ सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के द्वारा जब कोई स्पीच दी जाए या कोई स्टेटमेंट दिया जाए फिल्मों में जैसे, तो उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं, या कोई ड्रामा हो रहा है उस तरह का। अभी आप देख रहे हैं दूसरा शब्द दिया हुआ है डायलॉग, यू नो वेरी वेल डायलॉग क्या होते हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल या स्टेटमेंट, या कह सकते हैं एक दूसरे को हम स्टेटमेंट सुनाते हैं तो डायलॉग फिल्मों में जैसे होते हैं, तो ये लॉग वर्ड होते हैं। उसके बाद में जैसे कि ये इंटरलॉग एक वर्ड दिया हुआ है, इसको इंटरवल या इंटरमिशन जैसे फिल्मों के बीच में मध्यांतर होता है तो उसको इंटरलॉग एक्चुअली बोलते हैं, इंटरवल भी बोलते हैं, इंटरमिशन भी बोलते हैं, कई सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो एक तरह का जैसे देखा आपने प्रस्तावना हुई, उसके बाद में उन जैसे फिल्म को ले लें तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसमें मोनोलॉग्स या डायलॉग्स सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, फिर इंटरवल होता है। उसके बाद में अब देखिए लास्ट वाला वर्ड दिया हुआ है आपका इपीलॉग, इपीलॉग है द क्लाइमेक्स ऑफ समथिंग, इसको बोलते हैं उपसंहार, जो सबसे अंत में जैसे किसी भी फिल्म में जो अंत में हो या ऐसे वगैरह में हम लोग लिखते हैं सबसे आखिरी में, तो वो होता है आपका इपीलॉग। तो यही है द क्लाइमेक्स ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्ले का जो क्लाइमेक्स है कि हमें मैसेज क्या मिला इस चीज़ से, तो वो होता है आपका इपीलॉग। दोस्तों ये कुछ लिटरेरी वर्ड्स थे मैंने आपको जो बताया, इसका मैंने एक वीडियो और भी मैं दे चुका हूँ लिटरेरी वर्ड्स पर, सॉन्ग्स और पोइम्स पर, ये आपका स्पीच पर था। और मैं आप कुछ कैटेगरी वाइज मैं आपको और भी शब्द के वीडियोस देता रहूँगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।